महा एस्केलेशन आज बिफोर पोल्स, बीजेपी बिग चार्ज अगेंस्ट सुप्रिया सूले एंड नाना पटोले। द बीजेपी अलेजेस दैट सूले एंड पटोले वर लिंक टू द क्रिप्टो स्कैम। Supriya Sule has spoken exclusively to India Today. She says that she will be filing a case with in this regard. She threatens to send defamation notice to Sudhanshu Trivedi and calls it a deliberate attempt by the BJP and politics of the worst kind. She doesn't know anyone like the man Sudhanshu has mentioned. That's what she says. It's been alleged by the BJP that Supriya Sule was involved in the crypto scam and funds from that scam were used to fund campaigning for the Maharashtra elections, to which she has now put out a tweet which says that this is a move to derail the righteous voters of Maharashtra, but this is again a ploy which will fail, is what she says in the tweet that she's put out. Let me bring you up to speed with what's exactly happened. Mega escalation as far as Maharashtra elections are concerned just before polls. सुप्रिया जी, बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं बिटकॉइन मामले में, कहा गया है कि आपकी कोई बातचीत हुई थी दुबई बेस्ड, इससे बातचीत हुई थी और उसके बाद बिटकॉइन के बदले में पैसे की बात कुछ हुई थी, किस तरीके के एलिगेशंस आपका आपका इस पर क्या रिवर्ट है? भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी राजनीति कर रही है, इस शॉकिंग। और दूसरी बात, हम ऐसे कर रहे हैं कि मैं खुद कर रही हूँ कि मैंने एक तो साइबर क्राइम को कंप्लेंट की है, मेरी पूना कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात हो गई है, मैंने उनको साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी है, बिकॉज ये सब झूठ साइबर क्राइम हो रहा है। एक बात तो मैंने नोटिस ऑलरेडी भेज दी है, और जो आरोप सुधांशु कुलकर्णी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुझ पर किया है, मैं उनको डिफेमेशन की नोटिस भेज रही हूँ। जो पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि कुछ ऑडियो क्लिप्स उनके पास में है जिसमें आपकी बातचीत हो रही है, ये क्या है, कौन सी ऑडियो क्लिप्स की बात की जा रही है, क्या मामला लगा? बीजेपी दिखा रही है, लेकिन मैं ऐसी किसी आदमी को नहीं जानती, मेरा कुछ बिटकॉइन से ना कुछ लेना देना। ये बीजेपी की गंदी घटिया राजनीति चल रही है और मैं बीजेपी के लोगों को मैं डिफॉर्मेशन कर रही हूँ। कल महाराष्ट्र में वोट, ये पुलिस अधिकारी भी कौन है जो जेल में रह चुका है? कल महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, उसके पहले इस तरीके का आरोप लगना, आपको आप इसको किस तरीके से देखती है? आज दिन भर भी काफी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। बीजेपी पैनिक हो चुकी है, राजनीति इतनी गंदी और झूठे आरोप करे जा रहे, इसलिए मैं टाइमिंग की नहीं बात करती, अभी छोड़ दीजिए वो। पहले मैं तो सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी को मैं डिफॉर्मेशन की नोटिस भेज रही हूँ, और पुलिस को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि उनको फेयर ट्रायल करे, वो मेरी आवाज झूठ है, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती, और पांचों सवाल जो सुधांशु त्रिवेदी ने पूछे वो झूठ है, और वो कहेंगे उस वक्त पे, वो कहेंगे उस चैनल पे, और जिस शहर में मैं सुधांशु त्रिवेदी के साथ डिबेट करने के लिए कभी भी तैयार हूँ, क्योंकि वो जो जो बोले है मेरे लिए वो सारा झूठ है। Supriya Sule in that exclusive conversation with my colleague Sahil Joshi says that she's got nothing to do, no involvement at all that she's got in these allegations that have been made, and they're baseless in fact as far as she is concerned.